सुनो कच्ची कहानियां, रॉ स्टोरीज बाय रवीरा। ये जो 9 साल की खिलखिलाती हुई बच्ची अपने खेत में भाग रही है, ये मेरी माँ है। अभी कुछ देर पहले ही एक आदमी को माँ बहन की धांसू गाली देकर आई है। शायद उसने इनके खेत से चने उखाड़ लिए होंगे। बात तो जरा सी थी, लेकिन मेरी जरा सी मम्मी को कौन समझाए। बड़े बड़े लोगों की नाक में दम कर रखा था मेरी छोटी सी मम्मी ने। वो आदमी झट से मम्मी के पीछे भागा और फट से उसने जूता फेंका, पर जूता मम्मी तक पहुंचा नहीं। दूसरा जूता निकालने के लिए वो आदमी हड़बड़ी में नीचे झुका और जूता फेंकने के लिए ऊपर उठा तो मम्मी गायब थी। उसने दाएं बाएं देखा और फिर ऊपर। मम्मी पेड़ पे चढ़ी हुई थी, उस पे जोर जोर से हंस रही थी। उसने गुस्से में चिल्ला के बोला, जानवर औलाद। अब ये बात सही थी, मम्मी हिरण के जैसे भाग रही थी, बंदर के जैसे फुदक के पेड़ पे चढ़ गई थी और तोते की तरह रटी हुई गालियां दे रही थी। जानवर बोलना गलत नहीं था। एक शब्द होता है बचकांड, यानी बचपने से भरे हुए कांड। अभी मम्मी अपने बचपन में किसी को भी गाली देकर भागती थी, किसी के घर की साकल बजा के भागती थी, किसी के पेड़ से केरी चुरा के भागती थी, तो कभी कभी तलैया और कुएं में। पर इधर उधर फेरे मारती इस बालिका को ये नहीं पता था कि जल्द ही उसको अग्नि के सामने फेरे लेने हैं। ये बालिका अब बालिका वधु थी 9 साल की उम्र में। ये 2018 है। वो बच्ची जो खेत में भाग रही थी, मेरी मम्मी, आज खेत में बैठ के अपनी गाय के लिए घास काट रही है। मैं मुंबई से घर आया हूँ कुछ दिन की छुट्टी लेकर। बैग उतार के मैंने जमीन पे रखा ही था कि तभी भागते हुए मेरा कुत्ता आया और मुझसे लिपटने लगा। मेरी सफेद शर्ट पर उसने प्यार की छाप छोड़ दी थी। इस कुत्ते का कोई नाम नहीं रखा हमने। भाई, जब इसके माँ बाप ने इसका कोई नाम नहीं रखा तो हम क्यों रखें? अब जैसे हमने इसका नाम रॉकी रख दिया, ऑस्कर रख दिया, शेरा रख दिया, और ये ऑफेंड हो गया तो कि भाई ये क्यों बोल रहे हो। हाँ, बस मम्मी कभी कभी इस कुत्ते को प्यार से रवि बुला देती थी, मेरा नाम लेकर के। मुझे लगता है कुत्ते के लिए ये बात ज्यादा ऑफेंसिव थी कि उसे रवि कहकर बुलाया जा रहा है। पता है, इस कुत्ते से सब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे जितना बोलता नहीं है ना, इसीलिए। अभी तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। मैं घर के पीछे गया कि कोई है भी या नहीं, तो देखा मम्मी घास काट रही है। उन्होंने भाप लिया कि कोई आया है और मेरी तरफ देख के मुंह पे हाथ रख लिया। सरप्राइज से ज्यादा शॉक्ड होने के रिएक्शन दिए मम्मी ने। अपने दराते को खेत में फेंक दिया, आधी चप्पल पहन के खेत से भागी। बेटी, माई बेटी। मम्मी इतनी उत्साहित थी कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने खेत की फसल को लात से चकनाचूर कर दिया है। मम्मी पास आई और मेरे माथे पे हाथ फेरा। मैंने देखा इस बार मम्मी के हाथ पे कुछ और झुर्रियों ने झूले डाल लिए हैं। कान के पास के बाल थोड़े और पक्के सफेदी पकड़ चुके हैं। जब वो खेत से उठ रही थी ना, तो उनको हाथ जमीन पे टिका कर उठना पड़ा। मम्मी ने फिर मुझसे वही मम्मियों वाला सवाल पूछा, रोटी खाई ली? मैंने जवाब दिया नहीं। अब मम्मी ने बोला, पाँव पड़ले मारा, पर मैंने पाँव नहीं छुए और उनके माथ पे आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ रख दिया और हम दोनों हंस दिए। मम्मी ने आदत के अनुसार अपनी भाषा में मुझे एक गाली दे दी, मरी का खाया। पापा और मेरा छोटा भाई शशि दुकान संभालते हैं, मम्मी और मैं घर संभाल लेते हैं। मम्मी का काम कभी खत्म ही नहीं होता है। अब किचन का काम करते हुए हम रिश्तेदारों की चुगली कर लेते हैं। कमरों की सफाई करते हुए हम पापा के लिए सद्बुद्धि यज्ञ कराने की बात कर लेते हैं। और जब गाय की देखभाल करने जाते हैं तो शशि के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढने की बात चल जाती है। अब पापा और शशि को इतना टाइम तो होता नहीं है कि मम्मी के घर के काम करवा लें। थोड़ा बहुत कर देते हैं, पर उतना नहीं जितना होना चाहिए। तो जब मैं आता हूँ, मम्मी को एक हाथ मिल जाता है। चूल्हे के पास बैठ के लहसुन छील देता हूँ, सब्जी काट देता हूँ और हाँ, दीदी से भी अच्छी गोल गोल रोटी बना देता हूँ मैं। और इस सब के बदले मुझे मम्मी से कुछ कहावतें सुनने को मिल जाती है।
मम्मी को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है, तो जब शाम को मम्मी नहा के चोटी बना के निकलती है तो गोल्डन आवर में उनको पूरा फोटोशूट चाहिए होता है। और जब मम्मी फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी होती है तो मैं उनके इनोसेंस को कैप्चर करने के लिए उसका वीडियो बनाने लग जाता हूँ। मैं मम्मी का वीडियो बना ही रहा था कि तभी एक मैसेज आता है ऑफिस के ग्रुप में, याद आता है कि मुंबई वापस जाना है। वैसे तो जिस रेडियो चैनल के लिए मैं काम करता हूँ वहाँ मेरे अलावा 2-3 राइटर्स और हैं, पर मेरे बॉस को लगता है कि अगर मैंने 1-2 दिन छुट्टी और मार ली तो कंपनी डूब जाएगी। मतलब बॉस से छुट्टी मांगने जाओ ना तो आपको महसूस करवाया जाता है कि तुम्हारे बिना तो काम ही रुक जाएगा भाई, और अगर पैसे बढ़ाने का बोल दो तो आपको महसूस करवाया जाता है तुम करते क्या हो भाई। खैर फरमान था, मुझे वापस मुंबई जाना था अगले दिन। जब घर से वापस काम पे लौटना पड़ता है ना तो एंजाइटी हाइट में किलिमंजारो पर्वत से ऊंची हो जाती है, डेंसिटी में अमेजोन के जंगल से घनी हो जाती है, और गहराई में इंडियन ओशन से गहरी। चूल्हा जलाया गया, रोटी खाई गई, कल जाना है। आज मम्मी और मैं देर तक चूल्हे पर बैठे। मम्मी ने बताया जब उनकी शादी हुई, जब 20 साल की थी तो उनकी पहली बेटी हुई, नाम रखा निशा। लेकिन सास ससुर और रिश्तेदार चाहते थे कि बेटी से कुछ नहीं होगा, बेटे होने चाहिए। बस प्रेशर आ चुका था। उसके बाद उनकी 4 बेटियां और हुई बेटे की चाहत में, पर चारों गुजर गई। मम्मी बताती है कि चारों बेटियों को चिकन पॉक्स हुआ था, जिसे गांव में बड़ी माता कहते थे। फिर मम्मी थोड़ा सा चुप हो जाती है कि 2 बेटियां तो एक ही दिन गुजर गई, सपना और कल्पना। एक को डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, और जब घर लौट के आए तो देखा कि दूसरी बेटी भी जिंदा नहीं है। मम्मी को समझ ही नहीं आता था कि वो अपनी बेटियों के जाने का गम करे या बेटे पैदा करने की कोशिश। मम्मी ने कई माने रखी, जगह जगह घूमी, यात्रा करवाई, धागे बांधे, तब जाके मैं हुआ। पापा मजाक मजाक में कहते हैं कि 5 बकरों की मान हुई थी, यानी कि 5 बकरों की बलि दी थी जब मैं पैदा हुआ था, इसीलिए मैं इतना बोलता हूँ। राशि के हिसाब से मेरा नाम राधेश्याम और रवि था, घर वालों ने रवि रख दिया। चूल्हे की आग ठंडी हो गई है, रात के 1 बज चुके हैं। मुझे ख्याल आता है कि सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, और हम जाके सो जाते हैं। जब मैं बिस्तर में होता हूँ तो मुझे याद आता है ये कहानी मैंने 20 बार सुनी है, पर मम्मी को लगता है अलग अलग इंटेंसिटी और टाइम पे कहानी सुनाओ तो कहानियाँ नहीं हो जाती हैं। पर मम्मी को ये बातें बोलता नहीं हूँ, मैं शांति से सुन लेता हूँ। कभी कभी पापा और मम्मी के टेप रिकॉर्डर्स बिना पॉज किए सुन लेना चाहिए, उनको अच्छा लगता है। अगले दिन मुंबई लौटने को तैयार था। पापा ने मम्मी को पैसे दिए, मम्मी ने मुझे पैसे दिए, और वही पैसे मैंने शशि को दे दिए। और जब शशि के हाथ में पैसे आए तो कुत्ता शशि की तरफ देखने लगा बड़ी उम्मीद से। मैं जो घर से जाते हुए इमोशनल था, कुत्ते की हरकत पे हंस दिया। जब मैं जा रहा था तो मम्मी ने वही मम्मी वाली बात कही, रोटी टाइम से खा लीजिए बेटी। अब इस बात का क्या जवाब दूं, खाना तो खाते ही होऊंगा ना मैं, तभी तो जिंदा हूं। हमको इस बात की फिक्र रहती है कि जेब भरी रहे, मम्मियों को इस बात की फिक्र रहती है कि बच्चों का पेट भरा रहे। मैं बस में बैठा, रोना सा आता है जब घर से निकलो, और मैं तो रो भी देता हूँ। अब मैं बस में बैठा था, बस धीरे धीरे इंदौर की तरफ बढ़ रही थी। टाइम पास के लिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और मम्मी के वो वीडियोस देखने लगा जो मैंने उनके फ़ोटो खींचते टाइम बना लिए थे। वीडियो में बार बार वो मुझे बेटी बेटी बोल रही थी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मम्मी मुझे बेटी क्यों बोलती है,
जबकि हमारे समाज में तो बेटी को भी बेटा बोलते हैं लोग। मम्मी को 5 बेटियाँ हुई, 4 हमेशा के लिए छोड़ के चली गई और एक शादी करके दूर हो गई। मम्मी को उनकी बेटियों की बहुत याद आती होगी, तभी तो वो मुझे बेटी बेटी कह के बुलाती है। ये सोच करके मैं और रोने वाला था कि तभी मैंने खुद को मैनिपुलेट कर लिया, अच्छी बातें सोचने लगा। मैं सोचने लगा कि कैसे मम्मी बिना मुझसे पूछे मेरे कपड़े धोने में डाल देती है और मुझे अपने छोटे भाई के टाइट कपड़े पहन के घूमना पड़ता है। कैसे मम्मी सारे घर के मेंबर से ज्यादा अपनी गाय को अटेंशन देती है बिना इस फियर के कि कोई उनको जज करेगा। कैसे मम्मी बिना सोचे कुछ भी बोल देती है, बहुत सारी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें भी। मम्मी बेझिझक एक और फोटो लेने का बोल देती है। वो जबरदस्ती खाना नहीं बनाती मन मार के, होटल से कुछ ले आओ या खुद बना लो जैसी बातें कैजुअली बोल देती हैं बिना किसी सेकंड थॉट के। उनको परफेक्ट मम्मी वाली इमेज मेंटेन करने की बिल्कुल टेंशन नहीं है। धीरे धीरे मम्मी के बाल सफेद हो रहे हैं, पर अब उनको बाल संवारने की फिक्र नहीं है। उनके दांत टूट गए हैं, लेकिन उनकी हंसी बिना किसी परवाह के फूट पड़ती है। घुटने दर्द करते हैं, लेकिन वो अपनी गैया के पीछे ऐसे भागती हैं जैसे वो 9 साल की बच्ची भाग रही थी इस कहानी की शुरुआत में। मम्मी की हरकतें बच्चों जैसी हो गई हैं, मम्मी बच्ची बन गई हैं। अब मम्मी को संभालना पड़ता है, मम्मी को इज्जत देने से ज्यादा लाड़ देने का मन करता है। इसीलिए उनके पांव नहीं छूता मैं, उनको बच्चों के जैसे गले लगा लेता हूँ। मम्मी को देखकर लगता है जैसे मेरे यहाँ मेरी बेटी हुई है। आप सुन रहे थे कच्ची कहानियां, रॉ स्टोरीज बाय रवीरा। ये कहानी लिखी और नरेट की है रवीरा ने। कहानी का म्यूजिक प्रोड्यूस किया है आकाश मंडलोई और शुभांशु गुप्ता ने। टाइटल वॉइस ओवर है रितंबरा त्यागी का और क्रेडिट वॉइस ओवर दिया है कबीर ने।